हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे यूपी बोर्ड का क्लास टेंथ का बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए, ठीक है, हिंदी का मॉडल पेपर। इस मॉडल पेपर को हम लोग पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल हम लोग MCQ यानी ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर छोड़ देंगे, नहीं, हम लोग को पूरा का पूरा जो इधर संदर्भ व्याख्या से संबंधित प्रश्न हैं, ठीक है, उनको भी करेंगे पूरा का पूरा। मतलब इस पेपर को हम लोग सॉल्व इस वीडियो में करेंगे, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहना। और अगर इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। देखो, जो ये मॉडल पेपर है काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, इससे देखना डायरेक्टली आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो खंड अ के अंतर्गत आपके 20 जो MCQ है OMR बेस्ड, उनको चलो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो, जो पहला MCQ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, बाकी यार आपको थोड़ा मतलब एनर्जी टाइप का फील नहीं हो रहा होगा मेरी वॉइस में, जो हमेशा आपको फील होता होगा। एक्चुअली मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो बीच में खांसी उसी भी आ जाए तो आप मैनेज कर लेना, ठीक है। चलो, पहला प्रश्न है कि निम्न कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। और यहाँ चार ठे कथन दिया हुआ है। पहला कथन है कि जयशंकर प्रसाद एक आलोचन नहीं, यहीं पे गलत हो गया, आलोचक के रूप में ये प्रसिद्ध नहीं है। अगला है कि प्रेमचंद्र अपने घर में की लेखिका शिवरानी देवी है, तो ये बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है, बी वाला। क्यों? क्योंकि देखो, प्रेमचंद्र अपने घर में, ठीक है, ये रचना है और इसकी लेखिका कौन है? शिवरानी देवी। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और ये शिवरानी देवी कौन थी? ये प्रेमचंद जी की पत्नी ही थी, ठीक है। और प्रेमचंद्र अपने घर में किस विधा की रचना है? तो संस्मरण विधा की रचना है। संस्मरण विधा क्या होती है? यह एक तरह से जीवनी टाइप की ही विधा होती है, लेकिन जीवनी में पूरा जीवन के बारे में लिखा जाता है, लेकिन संस्मरण में थोड़ा मतलब किसी पल के बारे में लिखा जाता है, ठीक है। तो प्रेमचंद्र अपने घर में इस नाम से संस्मरण विधा की रचना है शिवरानी देवी जी की, ठीक। तो ये आपका ये बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड नंबर क्या है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि नदी के द्वीप किसकी रचना है, ठीक है। मोहन राकेश की, अज्ञेय की, हरिशंकर प्रसाई की या डॉक्टर संपूर्णानंद की, ये चार्ट है हम लोग का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो देखो, नदी के द्वीप जो है वो इनका पूरा नाम है सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है। तो अज्ञेय जी की रचना है, ठीक है। और किस विधा की रचना है? तो इनकी एक कविता विधा की रचना है, ठीक। चलो, अगला हम लोग सेकंड के बाद थर्ड नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यह क्या है कि मित्रता पाठ के लेखक है। ओके, मित्रता पाठ के लेखक सब लोग जानते हैं भाई, हम लोग के आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। और ममता के लेखक हम लोग के जयशंकर प्रसाद है। तो ये तो आपका फर्स्ट चैप्टर भी है यूपी बोर्ड में हिंदी में गद्य में। चलो, तो ये हम लोग का हो गया थर्ड प्रश्न। इधर हम लोग आ जाते हैं, आगे के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। इसको थोड़ा मैं फोल्ड कर लेता हूँ। चलो, ये हम लोग का अगला प्रश्न, यहाँ पे देख सकते हो अगला प्रश्न यहाँ पे फोर्थ नंबर। ये क्या है कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी, कहावत किस पाठ में प्रयुक्त है। ओके, ये एक कहावत है और बोल रहा है कि ये किस पाठ में प्रयुक्त है कि कोश कोश पर बदले पानी, चार कोश पर वाणी, ठीक है, किस पाठ में ये प्रयुक्त है ये हमें बताना है। तो देखो, ये आपका एक चैप्टर है गद्य पाठ में ही, भारतीय संस्कृति, ठीक है, उसी में जिसको लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, ठीक है, उसी में ये कहावत दी गई है कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी, काफ़ी फेमस कहावत है, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किया गया है, ठीक। चलो, अगला हम लोग का पांचवा प्रश्न है कि रासो ग्रंथ की भाषा है। ओके, हमें रासो ग्रंथ की भाषा पूछा जा रहा है। रासो ग्रंथ जो बहुत फेमस ग्रंथ है, ठीक है, इसकी हमें भाषा बताना है कि इसकी कौन सी भाषा है। तो देखो, जो रासो ग्रंथ है, जो इसकी भाषा है वो क्या है? डिंगल है, ठीक है, खड़ी बोली नहीं, औधी नहीं, ब्रजभाषा नहीं, डिंगल, ठीक। चलो, आगे हम लोग चलते हैं फाइव के बाद सिक्स यानी छः नंबर प्रश्न पे। यहाँ यह प्रश्न क्या है कि तारसप्तक काव्य के संपादक है। ओके, देखो, तारसप्तक काव्य के जो संपादक हैं वो सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। और इसमें कभी कभी ईयर भी पूछ देता है कि प्रथम तारसप्तक का कब प्रकाशन हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा, प्रथम तारसप्तक का प्रकाशन 1943, ठीक है, उसके बाद सेकेंड आपका 51 और थर्ड 59 में हुआ था, ठीक। तो ये आप लोग याद रखना, डेट डेट नहीं मतलब ईयर, ठीक है।
तो तारसप्तक काव्य के संपादक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञ, और प्रथम तारसप्तक काव्य संग्रह का जो संपादन हुआ था 1943 में, सेकेंड 51 में, ठीक है, और उसके बाद थर्ड 59 में। चलो अगला हम लोग देख लेते हैं 6 के बाद 7 नंबर प्रश्न कि चींटी कविता में चींटी को प्राणी बताया गया। ओके, चींटी जो मतलब कविता है जिसको लिखा है महादेवी वर्मा जी ने, ठीक है, उस कविता में चींटी को क्या बताया गया है? आलसी बताया गया, सामाजिक बताया गया, कमजोर बताया गया, या लड़ाकू बताया गया? तो चींटी कविता में चींटी को एक सामाजिक प्राणी बताया गया है, ठीक है, ये आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप चींटी कविता पढ़ना तो उसमें देखना इसको एक सामाजिक प्राणी, यानी चींटी को एक सामाजिक प्राणी बताया गया है, ठीक। चलो 7 के बाद हम लोग 8 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यह प्रश्न क्या है कि हिमालय से कविता किस काव्य कृत में संकलित है? निहार में, यामा में, हिमालय में, या सांध्य गीत में? तो देखो, हिमालय से जो कविता है यह महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित है, और इनका एक ग्रंथ है सांध्य गीत, उसी में यह संकलित है। तो ये हम लोग का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक, डी वाला। अगला प्रश्न 9 नंबर कि सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु हुई थी। देखो ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है, याद रखना जो भी फेमस आपके लेखक और कवि हैं उनके मतलब जीवन के बारे में आपको याद होना चाहिए। ऐसे भी तो आप जानते हो कि लेखकों और कवियों से संबंधित 5-5 मार्क का जीवन पर्ची आता है, तो प्रमुख लेखक और प्रमुख कवि का तो जीवन पर्ची आपको याद ही होना चाहिए। और सुभद्रा कुमारी चौहान जानते हो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका पद्य पाठ में, सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा, इनका तो जीवन पर्ची आपको याद होना ही चाहिए, ठीक। तो देखो इनका हमें मृत्यु के बारे में पूछ रहा है, तो इनकी मृत्यु देखो 1904 में जन्म हुआ था और 1948 में मृत्यु हुई थी, तो ये सन 1948 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। चलो ये 9 नंबर प्रश्न हो गया। 10 नंबर प्रश्न क्या है कि हास्य रस का स्थायी भाव, भाई हास्य रस का स्थायी भाव हास्य या हंसी होता है, ठीक, या हास उसको बोल सकते हैं, तो ये आपका बी वाला आपका राइट हो जाएगा। और शोक भाई करुण रस का स्थायी भाव होता है, ठीक। चलो तो ये दो चीज आप लोग याद रखना। अगला 11 नंबर प्रश्न देखते हैं कि छंद के चरण को ही कहा जाता है, यानी जो छंद के चरण होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो देखो जैसे आपने पढ़ा होगा छंद में ऐसे लिखा होता है कुछ, यहाँ कामा और यहाँ मतलब कुछ लिखा होता है, फिर यहाँ लिखा होता है कामा यहाँ, तो ये कामा के इधर इसी को हम लोग छंद के चरण, प्रथम चरण, ये द्वितीय चरण, ये थर्ड चरण, फोर्थ चरण, ठीक है। तो इसी चरणों को और किस नाम से जाना जाता है? वर्ण के नाम से, यति के नाम से, गति के नाम से, या पाद के नाम से? तो पाद के नाम से जाना जाता है, ठीक है, छंद के चरणों को ही कहा जाता है, तो पाद, ठीक है। चलो ये 11 नंबर प्रश्न आपका हो गया। इधर हम लोग 12 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। यह क्या है यहाँ पे कि ईश्वर का पर्यायवाची है, ओके, ईश्वर का हमें पर्यायवाची शब्द बताना है, तो यहाँ सर्वेश, भाई ईश्वर का पर्यायवाची शब्द सर्वेश हो जाएगा, क्योंकि सर्वेश मीन्स होता है सबका मालिक, यानी एक तरह से देवता, तो देवता मीन्स वही ईश्वर, ठीक है। तो ये आपका ग वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, अगला प्रश्न क्या है कि हरिपद कोमल कमल से पद में अलंकार है, इसमें हमें अलंकार बताना है कि यहाँ अलंकार कौन सा है। तो देखो यहाँ हरिपद की तुलना कोमल कमल से की जा रही है, ठीक है, तो यहाँ एक चीज़ की तुलना दूसरी चीज़ से किया जाता है, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है, तो ये आपका बी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर। चलो भाई साहब, तो ये हम लोग का 13 नंबर प्रश्न हो गया। अगला हम लोग का यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या है कि रोला छंद में यति होती है, ओके, रोला छंद में यति, यति मीन्स मैंने आपको बताया जैसे ये लाइन्स लिखी गई यहाँ कामा, तो कामा को यति बोलते हैं, ठीक है, ठीके? तो यह इसमें रोला छंद में यति होती है कितनी मात्राओं पे? तो 11 और 13 की मात्राओं पे यति होती है बीच में, मतलब यहाँ 11 मात्राएं और उसके बाद फिर 13 मात्राओं पे, यानी बीच में यति होती है, ठीक है, तो 11 13 की मात्राओं पे यति होती है रोला छंद में, ठीक। चलो अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं 14 के बाद 15 नंबर कि अनु उपसर्ग का अर्थ है, जो हम लोग का उपसर्ग है अनु, उसका अर्थ क्या है हमें ये बताना है। तो अनु मीन्स पीछे होता है, अनु का मतलब पीछे होता है, तो ये हम लोग का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 के बाद 16 नंबर प्रश्न है कि आँख का तत्सम रूप, भाई आँख का तत्सम रूप चक्षु, अक्षी, नयन, इक्षु, तो अक्षी इसका तत्सम रूप हो जाएगा, चक्षु नहीं, ये तो इसका पर्यायवाची होगा, ओके। पंचपात्र में यहाँ पे हमें समास बताना है कि पंचपात्र में हमें कौन सा समास, यानी पांच पात्रों का समाहार, ठीक है, यानी यह एक संख्याबोधक शब्द है, तो यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा, ठीक। और द्वंद्व समास किस में होता है, जिसमें हाइफन आता है, जैसे माता पिता, बीच में जो ये हाइफन आ गया वहाँ पे आपका ये द्वंद्व समास हो गया। चलो तो ये 17 नंबर प्रश्न क्लियर। अब देखो यह 18 नंबर प्रश्न, देखो 18 नंबर, 19 नंबर और 20 नंबर जो प्रश्न है ये बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए ना नए प्रश्न जुड़े हुए हैं, ठीक है, पुराना अगर ओल्ड पेपर आपके पास है 2023 वाला तो वो
मतलब यहाँ पे जो प्रश्न थे यहाँ पे जैसे शब्द रूप वाले या लिख धातु हंस धातु मतलब धातु रूप वाले, और फिर हिंदी में संधि से भी ऑब्जेक्टिव 2023 में आया था लेकिन इस 2024 में नहीं आएगा, ठीक है। उन्हीं तीनों की जगह ये तीन नए प्रश्न एड किया गया है। जैसे यहाँ पहला प्रश्न है 18 नंबर, ठीक है। यहाँ ये अच्छा ये वाक्यों के स्वरूप से है कि मैं कल दिल्ली गया था, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है, वो अर्थ के आधार पर इसका वाक्य भेद बताना है। इसमें विधानवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य कि इनमें से कोई नहीं। इस टॉपिक को मैंने पूरा का पूरा एकदम अच्छे से पढ़ा दिया है, ठीक है। लगभग एक 50 मिनट की वीडियो है, आप देख लेना। मैं उसका मतलब पूरी प्लेलिस्ट, हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर चैनल पे देख लेना उस वीडियो को। प्लेलिस्ट में जाओगे तो आप उसमें देखना वाक्य का स्वरूप, एक थंबनेल मिलेगा उस पर क्लिक कर आप देख लेना वीडियो को, ठीक है। आपका पूरा पूरा मतलब क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक वाक्य का स्वरूप। तो यहाँ चलो इस प्रश्न को कर लेते हैं कि मैं कल दिल्ली गया था, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है, ठीक है। तो देखो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, हमने पढ़ा था, ठीक है। उसमें से हमने एक विधानवाचक वाक्य पढ़ा था कि विधानवाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जो किसी चीज़ की जानकारी देते हैं। तो यहाँ देखो मैं कल दिल्ली गया था, यहाँ से जानकारी मिल रही कि भाई मैं कल दिल्ली गया था, तो यह विधानवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक तो इसमें हो नहीं सकता, संकेतवाचक तो हो नहीं सकता, यहाँ कोई संकेत थोड़े कर रहा है, तो ये विधानवाचक वाक्य हो जाएगा। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है कि वाच्य के भेद है, ओके, हमें वाच्य के भेद बताना है कि वाच्य के कितने भेद होते, 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं। तो वाच्य के आपके 3 भेद हो गए, ठीक है। चलो हम लोग वाच्य के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। इधर आ जाते हैं, यहाँ पे एक प्रश्न है, यहाँ एक मिनट देखो, यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न क्या है कि जिन शब्दों का रूप, माफ़ करना यार एक मिनट गला बैठ रहा है, ओके यार चलो माफ़ करना, थोड़ा जैसा कि शुरू में मैं आपको बताया तबीयत थोड़ी मेरी बहुत ख़राब है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये हम लोग 20 नंबर प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न क्या है कि जिन शब्दों का रूप लिंग वचन और कारक के कारण परिवर्तित हो जाता है वे होते हैं, ठीक है। ये प्रश्न विकारी और अविकारी शब्द से है, तो इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैंने पढ़ाया हुआ नहीं है विकारी और अविकारी शब्द डिटेल में, एक वीडियो लाऊंगा डिटेल में आधे से एक घंटे की, उसमें मैं पढ़ा दूंगा पूरा पूरा, ठीक। तो जिन शब्दों का रूप लिंग वचन और कारक के कारण परिवर्तित हो जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं, और जिनका नहीं होता है वो अविकारी शब्द कहलाते हैं, क्लियर है। तो ये आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि जिन शब्दों का रूप लिंग वचन और कारक के कारण परिवर्तन हो जाता है वे शब्द होते हैं, तो वे विकारी शब्द होते हैं, ठीक है। चलो ये 20 नंबर प्रश्न हो गया। आगे हम लोग, ये तो हम लोग का 20 MCQ हो गया। अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि खंड ब के अंतर्गत आने वाले जो सब्जेक्टिव प्रश्न हैं, यानी जिनको वर्णात्मक प्रश्न भी कहा जा रहा है, उनको हम लोग करते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न होगा वो गद्यांश आधारित होगा। आप लोग का गद्य के किसी भी चैप्टर से यहाँ पे क्या करेगा कि 2 गद्यांश देगा, एक ऊपर और यहाँ पे देखो अथवा कर एक नीचे, ठीक है। और प्रत्येक के नीचे 3-3 प्रश्न पूछा रहेगा, ठीक है। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देने पर आपको 2-2 मार्क कर, यानी आपको 6 मार्क मिलेगा तीनों प्रश्नों का उत्तर लिखते हो। तो आप ये गद्यांश करो या ये करो, अथवा का बीच में है, दोनों में से कोई एक करना है, ठीक है। तो देखो जैसे ये वाला गद्यांश कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृद्धि का ही नाश नहीं करता, इतने मुझे इतने ही पढ़ने से पता चल गया। ये जो फर्स्ट चैप्टर है आपका मित्रता, उसी का ये गद्यांश है, ठीक है, मित्रता वाले चैप्टर से। बाकी आगे यहाँ पढ़ोगे तो आपको भी आसानी से मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो इसका सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना होता है। संदर्भ कैसे लिखते हो कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक, आपको पता चल जाएगा कि मित्रता चैप्टर से है जिसके लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं, तो आप लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है जिसके लेखक, याद रखना गद्यांश में लेखक शब्द यूज किया जाता है और पद्यांश में रचयिता शब्द यूज किया जाता है, ठीक है। तो जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, ऐसे संदर्भ लिख दोगे और रेखांकित अंश, इसमें जो ये रेखांकित अंश इसमें तो पूरा किया है, तो पूरी की व्याख्या कर दोगे आप लोग। व्याख्या कैसे करना है, व्याख्या हेडिंग डालकर आप लोग लिखोगे उसमें। देखो जैसे कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, मतलब तो यहाँ थोड़ा शुरू में अपने मन से ऐड कर दोगे कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखक या आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहना चाहते हैं कि कुसंग यानी बुरी संगति का जो साथ होता है सबसे खराब होता है, और इसी तरह कर आप पूरा ये व्याख्या कर लेना। बाकी इसका मैं अच्छे से लिख कर आपको व्याख्या लाऊंगा, अभी के लिए मैं केवल बता देता हूँ कि किस चैप्टर से, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ी मेरी तबीयत आप जानते हो थोड़ा डाउन है, तो ज़्यादा बोलना भी दिक्कत कर सकता है। चलो ये ख हो गया। ग में आपका नॉर्मल ये प्रश्न पूछा है कि कुसंग का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार प्रभाव डालता है, तो इसको पढ़ो और अपने हिसाब से इसका आंसर बनाकर लिखो, सिंपल,
ठीक। अब देखो अथवा कर ये है, आप ऊपर वाला करो या नीचे वाला करो, आपके एग्जाम में एक ही करना होता है। तो चलो मैं नीचे वालों को भी सॉल्व कर देता हूँ। देखो आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में। ओके, ये आपका ना ये अजंता वाला, ये आपका अजंता वाला चैप्टर से है, ठीक है, अजंता वाले चैप्टर से है आपके, मतलब ये माफ़ करना, अजंता वाला नहीं, सॉरी देखो अजंता वाला नहीं, भारतीय संस्कृति अजंता वाला और भारतीय संस्कृति लगभग एक ही प्रकार का चैप्टर, क्योंकि अजंता में भी मतलब भारत के गुफाओं के बारे में, भारत के बारे में बताया गया है और भारतीय संस्कृति में भी आपको बताया गया। तो आप अच्छे से यही अच्छे से चैप्टर नहीं पढ़ोगे तो यही कन्फ्यूज होगा एग्जाम में, ठीक है। मैं बहुत दिनों से ये हिंदी मतलब छोड़ दिया हूँ पढ़ना, ठीक है, तो क्योंकि हिंदी मेरा सब्जेक्ट नहीं है एक्चुअली प्रॉपर, ऑफलाइन में भी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए थोड़ा मतलब कंफ्यूज हो जाता हूँ, ठीक है। ये आपका भारतीय संस्कृति से है, ठीक है, ये आपके भारतीय संस्कृति से है। ओके, भारतीय संस्कृति जिसको लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, ठीक है, तो इससे रिलेटेड यहाँ गद्यांश का संदर्भ लिखना है तो संदर्भ आसानी से लिख लो कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ऐसे, और जो इसमें ये रेखांकित अंश किया गया इनकी आप व्याख्या करते रहना अपने हिसाब से, और हमारे अस्तित्व को कौन कायम रखे हुए हैं तो इसको पढ़ोगे आसानी से इसका आंसर दे दोगे, तो इसका आपको 2 मार्क, इसका 2 मार्क, यानी 6 मार्क मिल जाएगा। तो आप इसको करो या ऊपर वाले को करो, आपका मन, ठीक। तो पहला प्रश्न इस प्रकार का रहेगा, सेकंड प्रश्न क्या रहेगा, सेकंड प्रश्न में देखो इसमें भी आपके यहाँ एक गद्यांश दे दिया और यहाँ अथवा कर एक मतलब गद्यांश नहीं माफ करना, ये पद्यांश रहेंगे, ठीक है, आपके पद्य पाठ से रहेंगे, तो इनसे भी रिलेटेड तीन प्रश्न पूछा रहेगा, जिनमें से तीनों का उत्तर देने पे आपको 2 मार्क कर यानी 6 मार्क आपको मिलेगा, क्लियर। तो जैसे ये निर्गुण कौन देश का वासी, पहली लाइन से ये मतलब आपका पता चल जा रहा है कि ये आपका किस चैप्टर से है, ये सूरदास जी ने इसको लिखा है, ठीक है, सूरदास जी ने इसको लिखा है और ये सूरदास जी का आपका चैप्टर है पद्य पाठ में, पद नाम से उसी से ये लिया गया है, ठीक है। तो इसका आप संदर्भ लिखते रहना, संदर्भ देखो संदर्भ में कैसे इसका संदर्भ करोगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से या हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है जिसके रचयिता सूरदास जी हैं, ऐसे लिख दोगे सिंपल, और आप पद्यांश का व्याख्या करते रहना, व्याख्या के लिए इसका अर्थ जानना पड़ेगा, तो आप ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना सूरदास जी वाला, ठीक है, तब इसका आप अर्थ लिख पाओगे, क्लियर। बाकी मैं यहाँ छोड़ता हूँ, इसको आगे बढ़ता हूँ। अब देखो यहाँ ये एक प्रश्न है, इसको पढ़ोगे तो आपको इसका भी आंसर मिल जाएगा आसानी से और उत्तर लिख दोगे तो आपको 2-2-2 यानी 6 मार्क मिल जाएगा, क्लियर। अब देखो ये अथवा कर देखो ये एक छोटा सा ये एक श्लोक है, तो सभी लोग भाई यही करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये छोटा सा है। ये क्या है कि जगतु जनायो जानियो है यहाँ पे, ठीक है, जिही सकलु सोहरी जानियो नाही जो अखिनो सबु देखई आँखी न देखी जाए। ओके, मतलब यहाँ ये जो मतलब एक तरह से ये दोहे है ना, ये दोहे, इन दोहे को लिखा है बिहारी लाल जी ने, और बिहारी लाल जी का आपका एक चैप्टर है पद्य पाठ में शायद भक्ति नाम से, ठीक है, उसी से ये लिया गया है। इसका अर्थ ये है कि जगतु जाने जी सकलो, ओके, मतलब जिसने तुम्हें सारे संसार को जानने की एक तरह से शक्ति प्रदान की है, तुम उसी ईश्वर को नहीं जानते, जिस प्रकार जो अखनी सबु देखी, जिस प्रकार जो हमारी आंखें होती है सारे संसार को तो देख लेती हैं लेकिन अपने आप को स्वयं नहीं देख पाती है, उसी प्रकार तुम ईश्वर को भी नहीं जानते। तो सिंपल ये इसका अर्थ है, यानी एक तरह से अर्थ जान के तो इसकी आप आसानी से व्याख्या कर सकते हो और संदर्भ तो कर ही सकते हो, मैंने बता दिया कि ये बिहारी लाल जी द्वारा लिखित है भक्ति आपका नामक चैप्टर है, तो ठीक है। और दूसरी पंक्ति में कवि क्या कहना चाहते हैं, तो दूसरी पंक्ति में कवि यही कहना चाहते हैं कि भाई हमारी आंखें तो पूरे संसार को देख लेती हैं लेकिन मतलब खुद को नहीं देख पाती। इस दोहे से मतलब कवि का यह तात्पर्य है कि मतलब हम दूसरे के अगुणों को तो आसानी से देखते हैं लेकिन अपने मतलब अगुणों को नहीं देखते हैं, सिंपल यही है। चलो उसके बाद ये सेकंड प्रश्न हो गया, थर्ड प्रश्न क्या रहेगा कि थर्ड प्रश्न आपका हिंदी में, पीछे आपका संस्कृत का भी पाठ है, हिंदी की संस्कृत, उससे आपका एक मतलब यहाँ गद्यांश यहाँ पे एक गद्यांश, और देखो इधर मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर एक गद्यांश अथवा कर यहाँ पे एक है, ठीक है। तो दोनों में से कि तो इसका कि तो उधर वाला जो है, दोनों में से किसी एक का आपको क्या करना है कि दोनों में से किसी एक का आपको
संदर्भ लिखना है और हिंदी अनुवाद करना है। तो इसमें देखो, इसमें संदर्भ करते समय लेखक या कवि का नाम नहीं लिखा जाता है। इसमें कैसे संदर्भ किया जाता है संस्कृत वाले में कि प्रस्तुत ये पक्तिया या प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत परिचायिका, ठीक है, हिंदी की जो संस्कृत है उसको संस्कृत परिचायिका बोला जाता है। तो संस्कृत परिचायिका के ये वाराणसी चैप्टर से तो वाराणसी नामक पाठ से लिया गया, बस इतना लिखा जाता है, ठीक है। तो आप लिख लेना और ये इसका आप हिंदी भाई आप आसानी से व्याख्या मतलब सॉरी हिंदी इसमें हिंदी अनुवाद करना होता है, व्याख्या नहीं करना होता है, तो हिंदी अनुवाद आप लिख देना। आपको हिंदी अनुवाद का 3 मार्क और 2 मार्क आपका संदर्भ लिखने का, यानी 5 मार्क आपको मिल जाएगा, ठीक है। और देखो उसी प्रकार यहाँ पे देखो ये यहाँ पे है एकदा बहवा, यानी ये प्रबुद्ध ग्रामीणों वाले चैप्टर से, तो आप इसको भी कर सकते हो या पीछे वाले, दोनों में से कोई एक करना है। और बाकी इसका चौथे का जो ख प्रश्न होता है यहाँ पे, इसमें जो मतलब गद्यांश था मतलब ये आपका गद्यांश था और यहाँ पे 2 श्लोक रहेंगे जिनको पद्यांश कहा जा रहा है, ठीक है। इनमें भी क्या रहेगा कि आपको इसका संदर्भ लिखना रहेगा और साथ में हिंदी अनुवाद करना होगा, संदर्भ का 2 मार्क हिंदी अनुवाद का 3 मार्क, दोनों में से कोई एक। तो जैसे ये मर्डम मंगलम देखो, ये तो आपका मतलब ये जो वाराणसी वाला चैप्टर है उसी से ये लिया गया है श्लोक, और यह आपका सर्वे बंतु सुखिना ये आपका भारतीय संस्कृति से लिया गया है। तो आप इसका संदर्भ हिंदी अनुवाद करते रहना, ठीक है। मर्डम मंगलम यत्र विभूषित विभूषणम कौपिन यत्र कौशेम साकाशी के नियते, मतलब इसका मतलब ये कि जहाँ मरना भी मंगलकारी है, जहाँ की मतलब जो विभूति भी आभूषण है, कौपिन यत्र कौशेम जहाँ की साड़ियाँ भी रेशमी, उस मतलब काशी की क्या ही प्रशंसा की जाए। और सर्वे बंतु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसका अर्थ तो आप मतलब 5वीं कक्षा से ही पढ़ते आ रहे हो, तो चलो इसका अर्थ मैं नहीं बोलता हूँ, आगे चलता हूँ। अगला जो 5वां प्रश्न रहेगा वो खंडकाव्य से रहेगा, और खंडकाव्य में भाई बहुत सारे यहाँ पे देखो आपके खंडकाव्य दिए रहेंगे, लेकिन इसमें से आपको वही खंडकाव्य आपको करना है जो आपके जिले से संबंधित हो, ठीक है। और उसके बाद खंडकाव्य के अलावा ये 3 मार्क का प्रश्न रहेगा, उसके अलावा खंडकाव्य के बाद आपका प्रश्न संख्या मतलब ये 5 रहेगा, उसके बाद 6 का क में 3 लेखकों का जीवन परिचय मतलब जीवन परिचय यहाँ लिखने को रहेगा, 3 लेखकों का नाम दिया रहेगा, उसमें से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना होगा। तो इम्पॉर्टेंट जो है लेखक मैं आपको बता देता हूँ, वो जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर, इन 3 लोगों का तो आपको याद होना ही होना चाहिए जीवन परिचय। और अगर कवियों में बात करूँ, ये लेखकों का जीवन परिचय 5 मार्क का, और इधर आपका कवियों के जीवन परिचय से 5 मार्क। यहाँ मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो ये कवियों का जीवन परिचय 6 का ख प्रश्न रहेगा, जिसका आपको 5 मार्क मिलेगा, ठीक है। इसमें देखो कवियों के जीवन परिचय में आपको महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है, उसके अलावा आपका सूरदास, ठीक है, और तुलसीदास, इन 4ों का याद होना चाहिए। और इन 4ों के अलावा 1-2 और आप याद करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। चलो तो ये 6 का ख प्रश्न आपको कवियों के जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न रहेगा। जो 7वां प्रश्न रहेगा वो आपका एक श्लोक लिखने का आएगा, ठीक है। तो नॉर्मल सा एक श्लोक आप लिख दीजिएगा, लेकिन इधर जो 2 श्लोक थे ना इधर हमने दिखाया, इन श्लोकों को आपको नहीं लिखना है, इनके अलावा कोई अलग श्लोक लिखना है। तो आप 3 श्लोक याद कर लेना कि कहीं आपकी भाग खराब रही, यहाँ 2 श्लोक जो आप याद किए आ जाएगा तो 1 बचा रहेगा, तो यहाँ आप लोग लिख दोगे जिसका आपको 2 मार्क मिलेगा। और उसके बाद ये देखो ये एक नया प्रश्न ऐड किया गया है 8वां, ये पत्र लेखन से संबंधित है, ठीक है। ये 2023 के बोर्ड एग्जाम में नहीं था, 4 मार्क में ये नया प्रश्न ऐड किया गया है पत्र लेखन, तो इसको भी आपको ध्यान में देने की जरूरत है। बाकी कौन कौन से पत्र इंपॉर्टेंट है मैंने एक टॉपिक पे पत्र लिखवा भी दिया है, ठीक है। तो वही हिंदी के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप उसको पढ़ लेना, ठीक, कैसे लिखा जाएगा पत्र। बाकी चलो इस प्रश्न को 8वां हम लोग छोड़ते हैं, आगे चलते हैं 9 नंबर प्रश्न पे। देखो ये प्रश्न क्या है कि ये प्रश्न आपका संस्कृत उत्तर से संबंधित रहेगा। पहले पिछले साल ये 4 मार्क था, मतलब 2-2 मार्क मिलता था एक प्रश्न का, लेकिन इस साल 1-1 मार्क मिलेगा, तो यहाँ से 2 मार्क बचा। और ये प्रश्न संख्या जो मतलब ये 10 है, पहले मतलब ये मतलब प्रश्न संख्या 9 थी, क्योंकि ये प्रश्न 8वां प्रश्न नहीं था, ठीक है। तो 8वां प्रश्न ये था और 9वां प्रश्न ये था, लेकिन अब 8वां प्रश्न ये हो गया, नया टॉपिक ऐड हो गया, और 9वां ये और 10वां ये हो गया, ठीक है। इसमें आपका निबंध वाला रहेगा, निबंध पहले 9 नंबर में आया करता था 2023 के बोर्ड एग्जाम में आया था, लेकिन इस बार 7 मार्क में मतलब आएगा 2024 के बोर्ड एग्जाम में, तो यहाँ से 2 मार्क निकाला गया। तो यहाँ से 2 मार्क निकालकर 4 मार्क का ये नया टॉपिक ऐड किया गया है पत्र लेखन, ठीक है। तो चलो और यहाँ जो ये 4ों टॉपिक है ये मतलब 4ों के 4ों इंपॉर्टेंट है, आप 4ों के 4ों टॉपिक बस क्लियर कर लेना, आपका निबंध भी मतलब का काम खत्म एक तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ 4 ये उत्तर है, वाराणसी कस्य भाषायां केंद्रम अस्ति, ठीक है। तो इसका हम लोग थोड़ा उत्तर देख लेते हैं कि वाराणसी कस्य भाषायां केंद्र
केंद्र अस्ति, तो कस्य का जगह पे केवल आप संस्कृत कर दीजिए कि वाराणसी संस्कृत भाषाया केंद्रम अस्ति। पूर्व राजा केन सह युद्धम अकरोत, किसके साथ युद्ध किया, तो केन के जगह सिंपल आप केवल अलक्षेंद्र के साथ युद्ध किया, तो अलक्षेंद्रेण कर दीजिए कि पूर्व राजा अलक्षेंद्रेण मतलब अलक्षेंद्र के साथ, ठीक है, अलक्षेंद्रेण सह युद्धम अकरोत। चंद्रशेखर स्व नाम किम अकथयत, तो भाई चंद्रशेखर ने अपना नाम क्या मतलब बताया, तो आजाद, तो चंद्रशेखर स्व नाम आजाद इति अकथयत, ऐसे इसका उत्तर लिख दोगे। ये सब आपकी हिंदी जो पीछे संस्कृत है मतलब हिंदी के पीछे उसी में से ये प्रश्न पूछे गए हैं जो चैप्टर है। वीर केन पूज्यते, तो वीर बीरेण पूज्यते, केन के जगह बीरेण कर दीजिए, तो वीर बीरेण पूज्यते आपका इसका आंसर हो गया। ठीक, तो ये चार प्रश्नों के, इन चारों में से आपको चारों का उत्तर नहीं देना है, केवल दो प्रश्नों का, आप कोई भी दो प्रश्न चुन लीजिए उसका उत्तर दीजिए और आपको दो मार्क मिल जाएगा। तो इस प्रकार हमने एक तरह से ये पूरा हिंदी का मॉडल पेपर था बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए क्लास टेंथ का, ठीक है, यूपी बोर्ड का, इसको हमने सॉल्व कर लिया। बाकी बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इससे पहले हमने और भी कई सारे मॉडल पेपर सॉल्व किए थे इंग्लिश का, मैथ का, ठीक है, सोशल साइंस का, तो उन सब का भी लिंक मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या सबसे अच्छा आप चैनल पे जाओ और चैनल पे स्क्रॉल कर ऊपर प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहाँ पे सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी। साथ ही हमारी एप्लीकेशन है, आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं UPMS तो स्टडी नाम से, यहाँ पे आपको सारी स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो मैं ऐसा करता हूँ, आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।